गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है अभी हमारे यूटी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम आगे की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम इस वीडियो में क्लास फर्स्ट के जो ईवीएस का लेसन 3 है माई स्वीट होम उसको स्टडी करेंगे। माई स्वीट होम, ठीक है। ए होम इज़ ए प्लेस वेयर वी लिव। होम होता घर, घर क्या है, वो जगह जहाँ हम रहते हैं। तो व्हाट इज होम, होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, घर कहते हैं। अब ये तो हो गया घर, अब ये पूछ ले व्हाई डू वी नीड हाउस या व्हाई डू वी नीड होम, हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड एनिमल्स। हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि घर हमें किससे, गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, रेन बरसात से, और एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं उनसे हमें बचाता है या सुरक्षा प्रदान करता है। तो समझ में आ गया बेटा, व्हाट इज होम, ए होम इज ए प्लेस वेयर वी लिव इन। व्हाई डू वी नीड होम, इट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड एनिमल्स, ठीक है। ये हो गया, देर आर मैनी रूम्स इन माई हाउस। देखिए होम या हाउस क्या होता है कि उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, ठीक है। तो सभी कमरों को क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं, लेकिन उनको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन कौन से हैं, हैंड भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, आइज भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नोज भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो ये सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। लेकिन सबके अलग अलग नाम है ना शरीर के अंगों के, क्या किसी का नाम नोज है, किसी का आइज है, किसी का हैंड है। उसी प्रकार हमारे घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों को हमने अलग अलग नाम दे रखा है। देखिए ड्राइंग रूम, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ ना ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम कौन सा कमरा होता है, वेयर गेस्ट सिट इन, जहाँ पे जो मेहमान बैठते हैं ना उस कमरे को क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम, ठीक है। बेडरूम, बेडरूम एक दूसरे कमरे को हम बेडरूम बोलते हैं। बेडरूम कौन सा होता है, वेयर वी स्लीप, जहाँ हम सोते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, बेडरूम, ठीक है। किचन, किचन क्या होता है, जहाँ पे खाना पकाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, किचन, वे हो माई मदर कुक्स फूड, जहाँ पे मेरी माँ भोजन बनाती है या जहाँ पे हम भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, किचन। बाथरूम, आई वेयर वी टेक बाथ, जहाँ पे हम बाथ स्नान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाथरूम, ठीक है। ये क्या है, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम क्या है, जहाँ पे सभी बैठ के खाना खाते हैं उस प्लेस को या उस कमरे को क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। तो ये सारे हमारे अलग अलग हो गए क्या पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ हाउस में आपको पूछ ले तो ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और डाइनिंग रूम ये होता है। तो व्हाट इज़ ड्राइंग रूम, वे हर गेस्ट सिट, जहाँ पे गेस्ट मेहमान बैठते हैं वो क्या होता है, ड्राइंग रूम। व्हाट इज बेडरूम, वेयर वी स्लीप, जहाँ पे हम सोते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेडरूम। किचन, वेयर वी कुक फूड, जहाँ पे हम खाना पकाते हैं वो। बाथरूम, वेयर वी टेक बाथ, जहाँ पे हम स्नान करते हैं। उसके बाद डाइनिंग रूम, वेयर वी टेक मील, मील होता है भोजन, विद माई फैमिली, जहाँ परिवार के साथ बैठ के भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम बोलते हैं, ठीक है। हाउसेस कितने प्रकार के होते हैं बेटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस आर ऑफ टू टाइप, जो घर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो कच्चा हाउस और पक्का हाउस। हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स हैं, हाउस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो कच्चा और पक्का। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो, देखिए ये झोपड़ी सी है, ठीक है, और ये पक्का सीमेंट का बना हुआ है। तो झोपड़ी होती है वो किसके बनी होती है, लकड़ी घास फूस इन्हीं से बनी होती है। तो इस प्रकार के घर को क्या बोलते हैं, कच्चा हाउस। और जो सीमेंट लोहा इनसे बना होता है वो कौन सा होता है बेटा, पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड, मड होता है कीचड़ और एक्स्ट्रा मतलब भूसा, इनसे बना होता है। पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स होता है, ईंट, सीमेंट और स्टील, इनसे बना होता है। तो आपसे ये ध्यान रखना है, पक्के हाउसेज आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेज, हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, हाउस घर कितने प्रकार के होते हैं, दो, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। पक्का हाउस, कच्चा हाउस किससे बना होता है, कच्चा हाउस आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रो, पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट,
ठीक है, इनसे। तो देखिए अब इनको आपकी एक्सरसाइज हो गया, सी द पिक्चर नेम द रूम, यहाँ पे बेड लगा हुआ है ना, तो ये द रूम वेयर वी स्लीप उसको क्या बोलते हैं, बेड रूम यहाँ पे लिखना है। द रूम वेयर आवर गेस्ट सिट, देखिए गेस्ट वाला कौन सा था हमारा, तो यहाँ पे ड्राइंग रूम लिखना है आपको। अब देखिए माई मदर कुक्स फूड इन, ये किचन दिखाई दे रहा, तो माँ कहाँ खाना बना रहे किचन में, ये आपका क्या है बाथरूम दिखाई दे रहा है ना, साथ में टॉवल बकेट ये सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ पे, द यहाँ पे देखिए आपके टेबल लगा हुआ है, खाने के सामान रखा हुआ है। द रूम वेयर वी टेक मील, जहाँ पे हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम, ठीक है। राइट द कम्प्लीट एड्रेस ऑफ योर होम, यहाँ पे आपको अपने घर का पता लिखना है, क्या आपके पिताजी का नाम और पूरा आपके दादाजी का नाम, क्या गांव का है, कौन सी गली है, वो सारा आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इस पर लिखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने ये लेसन रीड आउट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा, अभी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी बुक्स में ही। थैंक यू।